राजधानी लखनऊ में जलकल विभाग जोन 5 की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कानपुर रोड स्थित आसाराम बापू रोड पर पिछले 10 दिनों से वाटर सप्लाई पाइप लीक होने से पीने वाले पानी नालियों में बह रहा है, किंतु विभाग के जिम्मेदार अधिकारी शिकायत के बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बता दें कि वर्ल्ड जिम के सामने पिछले 10 दिन पहले से भूमिगत वाटर सप्लाई पाइप से पानी बह रहा है, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय जेई से लेकर जोन 5 के अधिशासी अभियंता से की गई, किंतु आज तक वाटर सप्लाई पाइप के लीकेज को बंद नहीं किया गया। जलकल विभाग की इस लापरवाही के चलते शुद्ध पेयजल नालियों में बर्बाद हो रहा है। जल ही जीवन है, बूंद बूंद जल के महत्व को समझें इत्यादि जागरूकता के स्लोगन जलकल विभाग जोन 5 के लिए कोई मायने नहीं रखता, अन्यथा 10 दिनों से पेयजल इस तरह नालियों में बर्बाद नहीं होता।